Good morning, student. That we are on the chapter 2, the era of one party domination. You know, in this chapter we study about that what happened in India just after get the liberation. Up to that we have to be study about that after getting the freedom from the British in 1950, that time the election commissioner was formed, who was appointed to conduct the free and fair election in India. And but that election commissioner, he has to face a lot of problem. Firstly, the boundary line that time was not decided, and second thing, a large number of the women, nearly we can say 40 lakh women, whose name was not mentioned in the voter list. So it was a big challenge which they have to be faced. And I also told you that during in the first election, that took the nearly the 6 month. 6 month means that is the October 1951 it was started and came to an end in February 1952. And that's why this election has given the name February 1952 election. And just also you study about that in this election, only the one party that time was the winner, which was called that is the Congress party. But that time the other party like the Communistic party, that time this party get only the 1/6 seat. And similarly, Bharatiya Jansangh party, that time it assume only or it only secure the 3 seat during in this election. Then we also study about that later on in 92nd election, 3rd election, which can be held after the interval of the 5 years. 1952 के बाद 1957 में इलेक्शन हुए, और उस समय बेटा जो इलेक्शन हुए थे, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट, चाहे वो स्टेट के इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो, सब जगह कांग्रेस पार्टी ही थी. लेकिन एक स्टेट ऐसी थी, दैट टाइम वाज द केरला, जहां पर कम्युनिस्टिक पार्टी को 120 में से उसके पास 160 सीट थी. अब उसको फाइव जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने उनको बाहर से सपोर्ट किया, तो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कोई ऐसी दूसरी पार्टी थी विच फॉर्म द गवर्नमेंट इन दैट इज इन केरला. फर्स्ट टाइम हुआ था इंडिया में कि 1952 में केरला में कम्युनिस्टिक पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई. लेकिन ओनली आफ्टर द 2 ईयर इन 1959 सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पर एमरजेंसी इम्पोज कर दी, और उसके बाद जो गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया. तो दैट टाइम उन्होंने रीज़न क्या दिया था कि दैट दिस गवर्नमेंट इट वाज फेल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट दैट इज इन केरला. तो देन आफ्टर 52 में भी कांग्रेस पार्टी डोमिनेटेड रही, उसके बाद 57 में भी कांग्रेस पार्टी डोमिनेटेड रही, उसके बाद फिर 62 में जब जनरल इलेक्शन हुए, उस समय भी सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही डोमिनेटेड रही. कांग्रेस पार्टी के डोमिनेटेड रहने के कारण मैंने आपको बताए थे कि एक तो वो ओल्डेस्ट पार्टी थी, वो 1885 में ईओ ह्यूम ने उसको फॉर्म किया था. उसके बाद वो एक कोलिशन थी. कोलिशन मीन कि उसमें डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट कल्चरल, डिफरेंट हम कह सकते हैं आइडिया दैट आर एक्यूमुलेटेड इन इट. क्योंकि उसके जो मेंबर थे, दे नॉट बिलोंग टू द एलीट फैमिली, रिच फैमिली आर द अपर कास्ट, हियर द लोअर कास्ट, मिडिल क्लास आर द शेड्यूल्ड कास्ट पीपल, दे आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ इट. एंड दैट्स वाई दिस पार्टी रूल फॉर ए लॉन्ग पीरियड. और इस पार्टी को जो कोलिशन था, और उसका इम्पोर्टेंट रीज़न क्या था कि पीपल दे गिव सपोर्ट टू दिस पार्टी. उसके बाद सेकेंड रीज़न क्या था कि महात्मा गांधी दैट वॉज ऑल्सो बिलोंग टू दिस पार्टी. एंड दैट्स वाई ड्यूरिंग इन द 1, 2 एंड 3, फर्स्ट 3 जो जनरल इलेक्शन हुए थे,
उस समय इंडिया में सिर्फ एक ही पार्टी का डोमिनेशन था. आई थिंक यहाँ तक हमने सारा कर लिया था. सो आई रिपीटेड इट अगेन सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट. उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि इंडिया का वन पार्टी सिस्टम ये किस तरह दूसरी पार्टी जो होती हैं उनसे डिफरेंट है. इंडिया में क्या है, वन पार्टी डोमिनेशन सिस्टम है. वन पार्टी डोमिनेशन सिस्टम में क्या है कि देयर इज ओनली वन पार्टी दैट कैन बी रूल वेदर इन द स्टेट लेवल वेदर इन द स्टेट सेंटर लेवल. बट दिस वॉज अपोजिशन फ्रॉम द सिचुएशन लाइक अक्कर इन स्टेट ऑफ द चाइना इन क्यूबा आर इन साइरिया बिकॉज देयर इज ओनली वन पार्टी रूल. इंडिया में क्या है, वन पार्टी डोमिनेशन था लेकिन वहाँ पे क्या था, ओनली द वन पार्टी रूल इन दिस एरिया एंड दैट्स वाई दिस सिचुएशन वॉज परवेलिंग. लेकिन उसके बाद क्या होने लगी कंडीशन दैट टाइम कि आहिस्ता आहिस्ता न्यू पार्टी जो थी वो फॉर्म होने लगी. फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, सोशलिस्टिक पार्टी बनी. सोशलिस्टिक पार्टी का बर्थ जो था दैट वॉज ऑल्सो फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी. कांग्रेस पार्टी में 1934 में क्या था, कुछ ऐसे पर्सन थे जिनके व्यूज जो थे दैट वॉज नॉट अटैच विद द कांग्रेस. कि जो यंग जनरेशन थी उनके जो आइडियाज थे दैट टाइम दे वर डिफरेंट फ्रॉम द आइडिया ऑफ द ओल्डन कांग्रेस मेंबर. तो इसलिए उन्होंने डिमांड क्या की कि दैट वी शुड फॉर्म द न्यू पार्टी. और उस समय इस पार्टी को नाम क्या दिया गया था, कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी. लेकिन 1948 में कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा कि दोज पीपल दोज हु हैज द डबल आइडियोलॉजी वाइल लिविंग इन द कांग्रेस दे हैव नो प्लेस टू रिमेन इन द कांग्रेस. कि जिन पर्सन की ड्यूल पॉलिसी है, ड्यूल पॉलिसी की कांग्रेस में तो है ही है लेकिन कांग्रेस में होते हुए अगर वो दूसरी पार्टी को फॉर्म कर रहे हैं तो उनकी कांग्रेस में कोई भी जगह नहीं है. तो इसलिए उन पर्सन ने कांग्रेस को छोड़कर 1948 को उन्होंने अपनी एक पार्टी जो थी दोबारा से उन्होंने उसको स्टैंड किया और उस पार्टी को नाम क्या दिया, अगेन इट वॉज रिपीटेड दैट टाइम वॉज द सोशलिस्टिक पार्टी. पहले इसको कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी का नाम दिया गया था 1934 में लेकिन उसके बाद जब उन वर्कर्स को यंग जनरेशंस को पार्टी से बाहर कर दिया तो उन्होंने इस पार्टी को रीनेम दे दिया दैट इज द सोशलिस्टिक पार्टी. और उस पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस एज पर एज द आइडियोलॉजी ऑफ द कम्युनिस्टिक पार्टी. क्योंकि कांग्रेस दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस. वाई दे वर क्रिटिसाइज द कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो थी अकॉर्डिंग टू देम दे वर सपोर्टेड ओनली द लैंड ओनर एंड ऑल्सो ओनली द कैपिटलिज्म. क्योंकि जो जो कांग्रेस पार्टी थी वो ज़्यादातर किसको सपोर्ट कर रही थी, या तो वो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट कर रही थी या वो लैंड ओनर्स को सपोर्ट कर रही थी. तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया था, उसको क्रिटिसाइज किया. और दूसरा जो था उनका क्या मानना था कि कांग्रेस दे आर वर्किंग ओनली फॉर द अपर पीपल दोज हु आर वेल नोन पीपल ऑफ द सोसाइटी एंड इग्नोरिंग द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक वी कैन से पीजेंट द लोअर कैटेगरी ऑफ द वर्कर. तो दैट्स वाई दे वर क्रिटिसाइज द कांग्रेस. लेकिन कांग्रेस ने क्या कर दिया, 1955 में आते कांग्रेस ने न्यू पॉलिसी को फॉर्म किया. उसने सोशलिस्टिक पैटर्न को अपनी पार्टी में एक्यूमुलेट कर दिया. अब जब सोशलिस्टिक पैटर्न उसकी पार्टी में आ गया तो अब इस पार्टी की जो इम्पोर्टेंस जो थी दैट वॉज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग डे बाई डे. और अंत में क्या हुआ, ये पार्टी जो थी इट वॉज स्टार्टेड स्प्लिट इन टू द डिफरेंट एरिया. कहीं पर ये लेबर पार्टी के नाम से बन गई, कहीं जगह ये किसान दैट इज द यूनियन पार्टी के नाम से बन गई, कहीं पर ये ओनली दैट इज द जयप्रकाश नारायणन पार्टी उस नाम से ये पार्टी जो थी वो बन गई. आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर. अगेन आई रिपीटेड कि जो सोशलिस्टिक पार्टी थी इसका बर्थ फर्स्टली 1934 में किया था
किन्होंने किया था, दोज पर्सन दोज हु आर द मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और उस समय इन्होंने इस पार्टी को नाम क्या दिया था, दैट इज द सोशलिस्टिक कांग्रेस पार्टी। लेकिन उसके बाद 1948 में कांग्रेस ने डिसाइड कर दिया कि दैट दोज पीपल लिविंग इन द कांग्रेस बट दे फॉलो द डबल आइडियोलॉजी हैव नो राइट टू लिव इन द कांग्रेस, दे शुड बी रिमेन सेपरेट फ्रॉम द कांग्रेस। इसलिए ये पार्टी जो थी वो 1948 में सेपरेट हो गई और इन्होंने अपनी पार्टी को नाम क्या दे दिया, सोशलिस्टिक पार्टी। इस पार्टी की आइडियोलॉजी जो थी वो कम्युनिस्टिक और कांग्रेस पार्टी दोनों से डिफरेंट थी, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और ये पार्टी जो थी कांग्रेस को क्रिटिसाइज करती थी, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो किसके लिए काम कर रही थी, ओनली फॉर द अपर कैटेगरी ऑफ द पीपल। लेकिन जब 1955 में कांग्रेस ने सोशलिज्म को ले लिया, उस समय इस पार्टी की जो इम्पोर्टेंस थी वो क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगी। लेटर ऑन ये पार्टी जो थी छोटी छोटी स्मॉलर पार्टी में डिवाइड हो गई। इसी तरह जो सेकंड इम्पोर्टेंट हमारी पार्टी थी वो कौन सी पार्टी थी, दैट टाइम वाज द कम्युनिस्टिक पार्टी। कम्युनिस्टिक पार्टी वी कैन आल्सो से इट वाज आल्सो द ओल्डेस्ट पार्टी एंड अर्लीस्ट टाइम इट वाज फॉर्म इन 1920 में ये पार्टी फॉर्म हुई थी। और ये पार्टी जो थी इसकी आइडियोलॉजी दैट वाज द सिमिलर विद द आइडियोलॉजी ऑफ द बोल्शेविक पार्टी ऑफ द रशिया, जो रशिया में लेनिन ने क्या किया था, बोल्शेविक पार्टी की थी। उस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके अंडर होने चाहिए, गवर्नमेंट के अंडर, और वहाँ पर गवर्नमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए दैट दे शुड प्रोवाइड द जॉब्स टू द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी, एंड लैंड शुड ऑल्सो बी गिवन टू द टिलर, कि जो लोग खेती करते हैं जमीन जो है उन्हीं को देनी चाहिए। ये इस पार्टी की आइडियोलॉजी थी। और ये पार्टी जो थी सेकेंड इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कम्युनिस्टिक पार्टी जो थी वो चली आ रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सिचुएशन चेंज हुई 1964 में जाकर ये पार्टी जो थी वो स्प्लिट हो गई। इस पार्टी के जो थे वो दो पार्ट बन गए, एक बन गया कम्युनिस्टिक पार्टी आई। जो कम्युनिस्टिक पार्टी आई थी वो किसकी फिलॉसफी को बिलोंग करती थी, लेनिन की फिलॉसफी को। और दूसरी कौन सी बन गई, कम्युनिस्टिक पार्टी एम। जो कम्युनिस्टिक पार्टी एम थी उसकी आइडियोलॉजी किसके ऊपर बेस थी, माओस की पॉलिसी पे, हु दैट टाइम वाज रूल इन चाइना। तो लेकिन बोथ बेस पे कम्युनिस्टिक पार्टी जो थी उनका मेन मोटिव क्या था, दे वर अगेंस्ट द इम्पीरियलिज्म, दे आर इन फेवर ऑफ द सोशलिज्म एंड दे आर आल्सो अगेंस्ट द कैपिटलिज्म सिस्टम। चाहे वो माओ की पार्टी थी चाहे वो लेनिन की पार्टी थी, दोनों पार्टी का मेन मोटिव क्या था, किसके अगेंस्ट थी, एक तो वो किसके अगेंस्ट थी, जो हम कह सकते हैं इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट थी, दूसरा वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थी, तीसरा वो किसकी फेवर में थी, ट्रेड यूनियन की फेवर में थी। उनका मानना क्या था कि जो वर्कर हैं उनको प्रॉपर राइट मिलने चाहिए कि वो अपनी ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकें, जो उनकी डिमांड है वो गवर्नमेंट के सामने रख सकें। और ये पार्टी जो है दिस टाइम यू आल्सो सी इज वर्किंग इन ए वेरी प्रॉपर वे, स्पेशली इन दी साउथर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री। आई थिंक दिस टॉपिक इज आल्सो क्लियर। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट जस्ट लाइक यू आल्सो स्टडी इन क्लास 9 इन मैक्सिको। मैक्सिको इज ए कंट्री, वहाँ पर क्या था, PRI पार्टी थी। PRI पार्टी का मेन मोटिव क्या था, दैट पार्टी ऑलवेज रिमेन इन पावर। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इलेक्शन, वहाँ पर इलेक्शन होते थे एवरी 6 ईयर के बाद, और 6 ईयर के बाद जब भी इलेक्शन होते थे तो PRI पार्टी क्या चाहती थी, वो गवर्नमेंट में रहना चाहती थी। दैट्स वाई दे फॉलो ऑल द इलीगल वे। इलीगल वे मीन्स दे फोर्सेस द टीचर दैट दे शुड बी कंपेल द स्टूडेंट एंड स्टूडेंट शुड फोर्स देयर पेरेंट दैट दे शुड गिव देयर वोट ओनली टू द PRI पार्टी।
And second thing, during the time of the election, the other party, whatever their policy, their propaganda, that was also not be honored. कि दूसरी पार्टी जो थी उनके जो प्रोपोगंडस थे उनकी जो मीटिंग्स होती थी उसको वो क्या करते थे बायकट करते थे. और थर्ड क्या था उन पार्टी का लॉन्ग पीरियड तक रहने के लिए कि मीडिया जो था दैट आल्सो वाज ड्यूरिंग दैट टाइम अंडर द इम्प्रेशन और अंडर द कंट्रोल ऑफ द पीआरआई पार्टी. तो इसलिए वहाँ पर पीआरआई पार्टी ने काफ़ी टाइम तक रूल किया क्योंकि ना तो वो इलेक्शन कमिश्नर की बात मानते थे ना ही वो किसी रूल और रेगुलेशन को मानते थे. लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये सिचुएशन नहीं थी, लोग फ्री थे. लेकिन तब भी वहाँ पर इंडिया में वन पार्टी ही डोमिनेशन रहा. उसके बाद क्या हुआ, अनदर थिंग थी, अब इंडिया जो थी पार्टी में, ठीक है वहाँ पर हम कह सकते हैं सोशल और हम कह सकते हैं डिफरेंट कोलिशन था, आइडियोलॉजिकल और सोशल कोलिशन था. आइडियोलॉजिकल एंड सोशल दैट इज कोलिशन मींस कि दोज हु आर द मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी दे कम फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कलर, डिफरेंट ट्रीड. और लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी इस पार्टी में जो वर्कर्स थे उनकी बेशक आइडियोलॉजी सेम थी लेकिन उनके आइडिया जो थे, उनकी जो सोच थी, उनके जो फ्रिक्शन थे, दैट वाज वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अदर. कि चाहे कुछ भी था पार्टी में वर्कर थे, डिफरेंट कैटेगरी के थे, वर्कर के जो पर्सनल व्यूज थे, उनके जो फ्रिक्शन थे, दैट वाज द सेपरेट, बट स्टिल they have the one ideology that they were standing only with the way of the Congress. Similarly, another party ka, just like you have to heard the name of the Baba B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar ne sabse pehle kya kiya tha? He also belonged to the scheduled caste family. Unhone ek apni hi party banayi thi. That party was given the name of the Labour Party. बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का नाम चेंज कर दिया, उसको शेड्यूल कास्ट पार्टी के नाम से जाना गया. और उसके बाद जब हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी, एनेक्ट हुई थी, फर्स्ट टाइम फॉर्म हुई थी 1946 में, तो उनको उसका क्या बना दिया था, प्रेसिडेंट बना दिया था. उसके बाद हमारी एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी. उस ड्राफ्टिंग कमेटी में बी आर अम्बेडकर जो थे वो हमारे क्या बने थे, दैट इज़ द चीफ, हम कह सकते हैं चेयरपर्सन, जिन्होंने क्या किया था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक प्रॉपर स्पेस दी थी. और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके वो क्या बन गए थे, आर्किटेक्ट. जो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करते आए हैं दैट इज़ द मे That constitution which we can be followed this time is also used by them in a proper way. Okay, I think जितना भी हमने किया है उतना आप सभी को रिवाइज होगा, अंडरस्टैंड होगा. लेकिन उसके साथ साथ कुछ आपको मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, बता रही हूँ. बेटा यू शुड बी नोट डाउन. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका that you should be right. I will start the question, note down the question. Your first question is, what step have been taken by PRI party to remain in power in Mexico? I think question is clear. Again I repeat it, what step have been taken by PRI party in Mexico to remain in power. Second question is, what is the ideology of socialistic, what were the ideology of socialistic democratic party. Your third question is, communistic party split into the two part, why. I think up to there everything is clear. Okay, you should do this question, not only do this question
but you should also revise this chapter too. Thank you.